नमस्कार दोस्तों, ये देखिए सैमसंग का एक एलईडी टीवी आया बनने के लिए मेरा पास। ये एलईडी टीवी का प्रॉब्लम क्या है, इसका जो बैक लाइट है जलता नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये इसका ये वायर है, वायर को हम लगा देते सीरीज लाइन में, ऐसे लगाने के बाद हम जिस इसको लाइन दिए ऐसे करके, तो ये देखिए यहाँ पर लाइन इसका जल रहा है, देख रहे, इसमें से आवाज़ भी आ रहा है। ये इसका बोर्ड जो है ओके है, बोर्ड जो इसका ओके है, लेकिन इसमें जो आवाज़ आ रहा है लेकिन ये लाइट नहीं आ रहा है। तो हम इसको रिपेयरिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे आप आसानी से इसको रिपेयरिंग कर लेंगे। तो चलिए इसको खोल लेते हैं पहले यहाँ से। देखिए ये कोना से ऐसे करके आराम से खोलना है। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों, आराम से खोलना है, नहीं तो इसका कोई भी ये कट जाएगा तो फिर इसको फिर करने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये इसको खोल लेते हैं, ये खोलिए। ये टीवी जो है यहाँ से लॉक रहता है अंदर से, जिसके वजह से जो है ये इसको खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपको धैर्य रख के खोलना होगा, हड़बड़ी नहीं करना। इसको निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। ये देखिए इसका मदरबोर्ड है दोस्तों। तो अब इसको करना क्या है, हम तो खोल लिए, जो नए लोग होते हैं उनको मालूम नहीं पड़ता है कि इनको टीवी को रिपेयरिंग करना है तो किस तरह का से करना है। तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करें या कहाँ पे इसको करें। खोल तो टीवी तो खोल ही लेते नए लोग जो है, लेकिन अभी नया जमाने का नया टीवी आ रहा है तो जो है इसको समझ नहीं पाते कि इसका तो साउंड है लेकिन इसका लाइट नहीं है। तो आप बताइए कि इसको प्रॉब्लम किधर है। तो सबसे पहले हमें इसको खोल लेना होगा, इसको जो इस बोर्ड के साथ कनेक्ट है, ये कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए, टीवी के साथ, यूएसबी के साथ, जो भी कनेक्शन यहाँ से मेन जो है सारा कनेक्शन यहाँ से, लेकिन पावर सप्लाई का लाइन यहाँ से ही इसका होता है। अब ये देखिएगा, ये तार, ये बैक लाइट का तार है, ये बैक लाइट का तार, ये बैक लाइट का आप तार देख रहे हैं यहाँ से, ये काला वाला, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से निकल के ये यहाँ पर गया है, इसका एलईडी का यहाँ पर लगा हुआ है तार काला वाला। ये जो है तीन ठो लाइट, तीन या चार यहाँ से वायर गया है जो एलईडी का है, यहाँ से पावर सप्लाई से कुछ लाइन मिलता है 12 या 15 वोल्ट। अभी इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा क्योंकि अलग अलग टीवी में अलग अलग वोल्टेज होता है। तो ये वायर सीधा एलईडी का यहाँ पे देखिएगा लाइट के साथ में, थोड़ा सामने ला के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से एलईडी का लाइट जो कनेक्ट है, तो इसको हमें यही चेक करना है इसके अंदर में कि एक्चुअली लाइट का प्रॉब्लम है या इस बोर्ड का प्रॉब्लम है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से खोल देते हैं, इसको खोल देंगे तो इसका कनेक्शन एकदम अलग हो जाएगा। तो इसको ऐसे पकड़ के दोनों तरफ से चिपना है और आराम से ही खोल लेना होगा, ज़्यादा हड़बड़ी करने की दरकार नहीं है, ये बहुत टाइट होता है तो थोड़ा सा आराम से इसको खोलना है। ऐसे हिला हिला के आराम से पकड़ खोल लिए। खोलने के बाद जो दोस्तों इसका जो नट है यहाँ पे देखिएगा, इसको हम खोल लेते हैं, इसको भी खोल लेते हैं क्योंकि बोर्ड को हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे आगे का। ये नट खोल लिए हैं, खोल के अलग रख लेते हैं, ये बोर्ड को हम निकाल लिए। अब हमें जो करना है, जो कि इसका अलग कर दिए, पैनल अलग कर चुके हैं, तो हमें एक बार इसको चालू करके देखना होगा। तो चालू करने से पहले हमें इस लाइन को जब भी करें तो सीरीज में ही काम करें, सीरीज में काम करेंगे तो इसका एलईडी थोड़ा देर के लिए ग्लो होगा फिर बंद हो जाएगा, तब समझ लीजिए कि एलईडी सही हो गया है। यहाँ पर देखिएगा टीवी को हम यहाँ पर लगा दिए, ये सीरीज लाइन में, सीरीज लाइन में इसको लगा देते हैं यहाँ पे। लगाने के बाद ये बल्ब जल के बंद हो गया, मतलब इसके अंदर शॉर्ट कहीं पे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है टीवी, इसका जो ये पैनल खोल दिए हैं जिसके वजह से जो ये लाइट यहाँ पे जलता था, ये चालू होता था तो हो नहीं रहा है। तो खोलने के बाद भी आप देखें दोस्तों यहाँ पर कि इसका एलईडी का लाइन दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर लाइट नहीं जला है, तो इसका मतलब जो फॉल्ट इसमें नहीं है, इस सेक्शन में। तो चलिए हम इस सेक्शन को पहले रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं तार को, तार को यहाँ से निकाल दिए, फिर इधर आ गए यहाँ पे। तो ये पूरा जो है इसका पावर सप्लाई जो है यहाँ पे देख रहे, वो ओल्ड जो टीवी है, पुराना जो डब्बा टीवी होता है, उसी का ही पूरा ये डिज़ाइन बनाया गया है। यहाँ पे एसएमपीएस का जो लाइन होता है उसी तरीका से यहाँ एसएमपीएस का लाइन बनाया गया है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर हमें ले लेना पड़ेगा, मल्टीमीटर ले लेते हैं। ऐसे लेने के बाद हम ये बैक पैनल का लाइट खोल देंगे क्योंकि हमें आगे काम करना है तो इसे खोलना ही पड़ेगा। तो इसको भी खोलने के लिए थोड़ा पकड़ना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखें कि लाइन कहीं से टूटे नहीं, हड़बड़ी नहीं करना है। ऐसे देखिए चिपने के लिए है, चिप के इसको खोलना है। तो ये खुल गया। अब जो हम करेंगे दोस्तों,
इसको हम चेक करेंगे हर एक चीज़। सबसे पहले आपको क्या करना क्या है, इसमें थोड़ा ऐसे करके सफाई कर ले, कहीं कुछ जमा हुआ है। इसका पीछे की ओर भी हम घुमा लेंगे, थोड़ा ऊपर से ऐसे घुमा लिए। अब इसका देखिए इस तरफ में, सबसे पहले ध्यान से हमें देखना पड़ेगा इस एरिया के तरफ पे, कहीं कुछ जल गया है या फट गया है या उखड़ गया है। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं मोस्पेक लगा हुआ है बड़ा बड़ा, तो इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चल पाएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो शुरू करते हैं इसका एसी लाइन की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एसी लाइन का वायर यहाँ पर देखिए, तो यहीं से हम जो करेंगे शुरू, मल्टीमीटर को चालू कर लेते हैं, इसको कंटिन्यूटी मोड पर रख लेंगे। रखने के बाद सबसे पहले हम जो करेंगे, यहाँ एसी वाला लाइन को हम देखेंगे कहाँ तक जा रही है। तो ये देखिए एसी लाइन जो एक लाइन यहाँ से यहाँ गया है, एक लाइन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ जो है पीए पावर ये है, यहाँ पे देखिए ये एक पीएफ टाइप का कुछ कैपेसिटर है, पीएफ टाइप का कैपेसिटर है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ से लाइन देखिएगा यहाँ पर गया, यहाँ पर एक पीएफ है जो बिल्कुल सही है, कोई शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ से जब आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा एक फ़िल्टर करने के लिए, कि ये ट्रांसफार्मर टाइप का है, चॉपर ट्रांसफार्मर टाइप का, ये देखिए इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे करके चेक करेंगे तो शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, देखिए यहाँ पे चेक करें तो शॉर्ट नहीं बता रहा, लेकिन जब हम ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट बताना चाहिए या कंटिन्यूटी देना चाहिए, इसका मतलब ये सही है। देखिए जीरो हो गया, मतलब ये सही है इस साइड भी। अब ऐसे चेक करेंगे तो कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद यहाँ पे जब आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रिज रेक्टिफायर जो एसी लाइन को डीसी में बदलता है। यहाँ तक तो फ़िल्टर कर दिया, यहाँ तक फ़िल्टर हो गया, उसके बाद ये एसी लाइन यहाँ पे आया, एसी लाइन यहाँ पे आया, तो देखिएगा इस जगह पे ये यहाँ पे हम इसको डायड मोड पे रख लिए हैं, कंटिन्यूटी या डायड मोड बोला जाता है। तो इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पे एसी लाइन होता है तो हमें ऐसे करके चेक करना है, एक तरफ नंबर शो करेगा, दूसरा तरफ नंबर शो नहीं करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे नंबर शो कर रहा है, घुमा लेंगे नंबर शो नहीं करेगा। उसी तरीका से यहाँ पे हमें चेक करना है, नंबर शो करेगा, दूसरा तरीका से नहीं करेगा। तो यहाँ पे नंबर आगे भाग जा रहा है दोस्तों, ये शॉर्ट भी नहीं है, ये मल्टीमीटर का थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से ऐसे हो रहा है। इसको सही कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, फिर एक बार चेक कर ले, शॉर्ट तो नहीं है। देखिए नंबर शो कर रहा है 520, मल्टीमीटर में दिखाओ 520, आप देखिएगा यहाँ पे 520 शो कर रहा है, देख रहे हैं। ऐसे घुमाएंगे तो कोई नंबर शो नहीं करेगा। फिर यहाँ पे लगा कर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिएगा कि एक तरफ दिखा रहा है, दूसरा तरफ नहीं, बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ से हम लाइन आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से लाइन है, यहाँ से लाइन आउट हुआ, ये दोनों एसी है, यहाँ से डीसी लाइन आउट हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ से देखिए जम्पर दिया गया दो ठो, तो यहाँ पर जम्पर को हम चेक कर लेंगे। डायड मोड को इसको ऑफ पर कंटिन्यूटी मोड में ले लिए, लेने के बाद हम चेक करेंगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, मतलब बिल्कुल ये जो यहाँ पे जम्पर दिया गया बिल्कुल सही है। उसके बाद ये लाइन जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे आया है, यहाँ से यहाँ पे स्विच फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ तो यहाँ पर भी सही है। अब करेंगे क्या दोस्तों, अब इसका जो दोस्तों हमें हर एक पार्ट को चेक करना पड़ेगा पकड़ पकड़ के। ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं, इस आईसी को चेक करने का भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये शॉर्ट बताएगा ये ट्रांजिस्टर के पास, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ एक ही जंपर में ये है, तो यहाँ पर भी कोई नहीं पकड़ा रहा है। ये एक तरीका से ये जो है वो डब्बा टीवी का जैसा जो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, तो यहाँ पर भी फ्रिक्वेंसी जनरेट करके यहाँ पर चॉपर ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। देने के बाद जो है ये लाइन जो यहाँ पर चालू होता है, अलग अलग विभिन्न मान का जो वोल्टेज है अलग अलग आउट होने लगता है। तो इस बोर्ड में यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं, इस एरिया में एक एक यहाँ पे देखिए एसएमडी रजिस्टर है, इस एरिया में देखिएगा एसएमडी रजिस्टर है, आप देखिए ध्यान से, एसएमडी रजिस्टर है, देखिए थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, एसएमजी रजिस्टर है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये सब एरिया में देखिए एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है, ये आईसी का अगल बगल में यहाँ पे। तो ये सब को आपको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ऐसे ये ख़राब नहीं होता है, तो यहाँ छोड़ देना है। उसके बाद हमें ये यहाँ पे देख लेना है यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही साथ में कनेक्ट है एक जम्पर के साथ, तो इसको शॉर्ट हम चेक करेंगे इस बीच वाला के साथ, ऐसे ले कर बिल्कुल शॉर्ट नहीं है, इसको भी हम चेक कर लेंगे वैसे ही बीच वाला से चेक कर लेंगे।
कोई शॉर्ट नहीं। अब यहाँ पे एक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा कंपोनेंट है दोस्तों, देखिए। तो यहाँ से चेक करना मुश्किल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लाइन को देखना पड़ेगा। इस बोर्ड में जो है, यहाँ पे देखिए SMD का रजिस्टर है, जीरो फ्यूजिबल रजिस्टर। मल्टीमीटर की तरफ दिखाओ, देखो यहाँ पे चेक कर रहे, थोड़ा दूर होके यहाँ पे देखिए। तो आपको दिखाया दोस्तों यहाँ पे कि ये देखिए, ये जो 000 बोल के फ्यूजिबल रजिस्टर है SMD में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी दो ठो है, तो इसको भी हमें चेक कर लेना पड़ेगा। ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये भी सही है। तो इस बोर्ड में दोस्तों ऐसे कोई चीज़ ख़राब नहीं है, कोई पार्ट हमको ख़राब दिख नहीं रहा है, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा। तो हमको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करना पड़ेगा। तो ये पैनल का लाइन को हम चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ से। ये लाइन यहाँ से आया है। तो यहाँ पे थोड़ा मैला है दोस्तों, ये देखिए छोटा सा। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ पे है, देखिए मल्टीमीटर को भी दिखाओ। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो एक पतला सा लाइन गया है, ये जो यहाँ से, ये रजिस्टर के पास से एक पतला लाइन गया यहाँ से, देखिए यहाँ से। तो जब हम ट्रैक को यहाँ से चेक कर रहे, तो ये ट्रैक जो यहाँ पे देखिए कटा हुआ दिख रहा है, सही से दिख रहा है। और नीचे करके यहाँ पे देखिएगा, एक रजिस्टर के पास से जब ये ट्रैक को चेक करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ये ट्रैक के यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी मोड नहीं दिखा रहा। मल्टीमीटर में दिखाओ, तो मल्टीमीटर में भी देखिए कोई कंटिन्यूटी मोड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से कंटिन्यूटी मोड जो है यहाँ से देख रहे, चेक करें तो यहाँ भी नहीं आ रहा है। इसके मतलब ये जो लाइन यहाँ से जा रहा है, तो ये लाइन जो यहाँ से कट चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको लग रहा है यहीं पर ये प्रॉब्लम है, यहीं पे जो प्रॉब्लम है, यहाँ से रजिस्टर के पास से एक लाइन गया है। तो यहीं पे हम एक बार सोल्ड करके देख लेते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं, फिर आगे हम जो वोल्टेज है इसका AC लाइन में चालू करके उसके बाद वोल्टेज नापेंगे और नाप के फिर देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसका जम्पर एक बार लगा लेते हैं, कि जो यहाँ से लाइन कटा उसका जम्पर लगा लेते हैं। तो ये ले लिए, थोड़ा सा यहाँ साफ़ करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये गंदगी की वजह से थोड़ा ख़राब हो गया है। यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक सोल्डरिंग करना पड़ेगा हमको यहाँ से यहाँ पे। यही छोटा छोटा लाइन है दोस्तों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से एक छोटा सा तार ले लेते, लेने के बाद हम इसको जोड़ देते यहाँ पे। इसको छोटा सा तार को दोस्तों जोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये चलेगा नहीं। तो इसको यहाँ पे जोड़ दिए हैं, बहुत ही छोटा सा तार है दोस्तों, आपको दिखेगा नहीं, फिर भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। ये तार को ध्यान रखना है, कहीं किसी दूसरे के साथ शॉर्ट ना हो, नहीं तो क्या है कि फिर कनेक्ट कराने में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि किसी के साथ शॉर्ट ना हो। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर, पहले एक बार थोड़ा सा सफाई कर ले। यहाँ पे जो लाइन है, ये सोल्डिंग है, हम चाहते तो दूसरा जगह से भी जोड़ सकते थे, लेकिन जहाँ पे टूटा वहीं पे जोड़ दे, जोड़ के एक बार देख लेते हैं कि चालू होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो लाइन है दोस्तों, ये कटा हुआ है पत्ता के पास, तो इस लाइन को हम यहाँ से जोड़ दें। लाइन को जोड़ दिए दोस्तों, अब इसको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा टेप मार लेंगे कि ये किसी और के साथ शॉर्ट ना करे। सोल्डरिंग आयरन को हटा लेते हैं, हटाने के बाद हमें दोस्तों थोड़ा टेप मारना पड़ेगा। तो ये टेप ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और यहीं पे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके चिपका देंगे। ये काफ़ी छोटा सा है जम्पर, लेकिन बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पत्ता कट जाए तो ये काम नहीं करेगा। तो एक बार इसको लगा के देख लेते हैं दोस्तों कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको लगा दिए, थोड़ा सा ये सब हटा दें, क्योंकि
काम करने के समय कहीं भी किसी दूसरे लाइन के साथ शॉर्ट हो जाता है तो ये चालू नहीं होगा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम जैसे था वैसे एक बार सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इस जगह पे ये लाइन था, ये बोर्ड जैसे था दोस्तों वैसे सेटिंग करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है करने में। यहीं पे इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ये लीजिए दोस्तों ये यहाँ पे लग गया। लगने के बाद हमें करना क्या है, ये वाला वायर को बाद में कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले इसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ये जो इसका एलईडी का लाइट का बैक लाइट का कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है बैक लाइट का, तो इसको जोड़ दिए हैं। अब इसको लगा देते हैं जो ये बोर्ड का मेन लाइन है, तो ये मेन लाइट को आपको यहाँ पे जोड़ना है। जोड़ने के बाद एक बार फिर से हम जो है इसको चेक करेंगे सीरीज में लगा के कि प्रॉब्लम वही था या फिर कहीं और पे। लगा दिए, अब इसको सीरीज लाइन में लगाएंगे। सीरीज लाइन में यहाँ पे लगा दिए, अब एक बार इसको उठा लेते हैं ऐसे करके लाइन दे के देखते हैं। सीरीज लाइट ग्लो होकर बंद हो गया, जी ये चालू हो गया दोस्तों। देखिएगा ये देखिए, देखिए दोस्तों ये चालू हो गया। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि इसको सीरीज लाइन में दिए हैं तो इसका लाइट जो यहाँ पे आ रहा है, आने के बाद थोड़ा देर बाद जो है मेरा सीरीज लाइट देखिएगा, यहाँ पे सीरीज लाइट देखिएगा वहाँ पे कि ये चालू होकर जैसे लाइट आता है वो ग्लो होता है, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद ग्लो होकर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये टीवी जो है वही छोटा सा जम्पर कटने की वजह से चालू नहीं हो रहा था। लेकिन इसका पहले भी इसमें जो हम देखे कि इसका पहले कोई मिस्त्री इसको बनाने का कोशिश किया है, इसका पहले मिस्त्री जो इसको बनाने का कोशिश किया है लेकिन ये जो बना नहीं है। तो यही है इसका सेटिंग जो हम कर दिए, करने के बाद एक बार सेटिंग करके फिर देखते चेक करके चालू होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसको एक बार लगा लेते हैं। स्टॉप कर इसको दोस्तों, यहाँ पे जो नट है दोस्तों इसका टाइट दे दिए। देने के बाद एक बार इसको फिर से हम चेक कर लेंगे कि ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको हम ऐसे लगा लेते हैं, एसी वाला जो केबल है तो इस केबल को भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि लाइन आ रहा था यहाँ पर, इसीलिए हम केबल को चेक नहीं किए। तो इसका क्या करते हैं एक बार कि इसको सीरीज से हटा के मेन लाइन में दे देते हैं। मेन लाइन में दे दिए, देने के बाद अब टीवी का यहाँ चालू करने के लिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हम एक काम करेंगे, इसका लाइट देते हैं, देखते कि लाइट इसका काम कर रहा है कि नहीं। हाँ ये साउंड आया है दोस्तों, लाइट भी आ गया, आप देखिए इसका लाइट भी आ गया। तो यही प्रॉब्लम था, थोड़ा सा जम्पर की वजह से चालू नहीं हो रहा था। अब देखिए टीवी चालू हो गया, यहाँ पे इसका मैनुअल सर्विस यहाँ पे आ गया है दोस्तों, देख रहे हैं। तो इसका यही प्रॉब्लम था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। बहुत बहुत धन्यवाद।